सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने फोन पे आना है और वहाँ पर आपको फोन पे का जो एप्लीकेशन है उसको ओपन करना है। जैसे ही आप फोन पे का एप्लीकेशन ओपन करेंगे, आपके सामने जो है कुछ इस प्रकार का इंटरफेस जो है आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आपने यदि ध्यान दिए होंगे तो मैंने जब अपना फोन पे एप्लीकेशन ओपन किया तो वहाँ पे फिंगरप्रिंट जो है मांगा गया। जी हाँ दोस्तों, यदि आप भी अपने फोन पे एप्लीकेशन में फिंगरप्रिंट को कैसे लगाते हैं उसको सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फोन पे का यह जो है फर्स्ट इंटरफेस है। यूपीआई आईडी से पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पे ट्रांसफर मनी में जो है आपको सबसे पहला वाला जो ऑप्शन है टू कॉन्टेक्ट जो है आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। और जैसे ही आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अब आपके सामने जो है यहाँ पे इंटर ए मोबाइल नंबर और या फिर नेम मिलेगा। तो आपको इसमें क्या करना है, आपको यहीं पे जो है यूपीआई आईडी को दर्ज करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक यूपीआई आईडी जो है मैं उसको दर्ज करता हूँ। तो आपको यहाँ पे यूपीआई आईडी दे देना है और देने के बाद जो है आपको यहाँ पे नीचे में न्यू यूपीआई आईडी लिख रहा है, आपको इस पर टैप करना है, क्लिक करना है। और इसके बाद जो है आपको यहाँ पर अपना यूपीआई आईडी मिला लेना है। अब यह सही है कि गलत इसको आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है। इसके लिए आपको वेरीफाई पे क्लिक करना है और जैसे ही आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो ये जो है ऑटोमेटिक जो है नाम जो है आ जाएगा जो बैंक अकाउंट में होगा। तो यहाँ पे निकनेम आपको देना है या चाहे तो आप छोड़ सकते हैं, यह ऑप्शनल है। तो अब आपको नीचे की ओर आना है और बस आपको सेव पे क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अब आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद जो है आपको अब यहाँ पे अपना अमाउंट टाइप करना है, आप कितना पैसे उस पर्सन को भेजना चाहते हैं और कोई मैसेज देना चाहते हैं तो यहाँ पे मैसेज टाइप कर सकते हैं। तो सिंपल ही ये दोनों भरने के बाद जो है आपको नीचे की ओर आना है और यहाँ पर सेंड का एक ऑप्शन आपको मिलेगा, आपको जस्ट उस पर सेंड कर देना है। और जैसे ही आप सेंड पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने जो है आपका यूपीआई पिन मांगा जाएगा। यूपीआई पिन आप जैसे ही देंगे तो आपका पेमेंट जो है सक्सेसफुली हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेरा पेमेंट जो है सक्सेसफुली यूपीआई आईडी से हो गया है। तो यहाँ पे आप जो है देख सकते हैं बहुत ही आसानी से।